दोस्तों, मैं MPL क्रेश स्किल की बिल्कुल न्यू ट्रिक लेके आया हूँ। इसे खेलकर आप भी ऐसे अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, 100 से मैंने 105 कैसे आउट कर दिया। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और आप भी ऐसे अर्निंग करना चाहते हैं और प्रॉफिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, आपका भी प्रॉफिट होगा और अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको, यहाँ पे देख सकते हो, मैं 100 का इन्वेस्ट करके विनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बिगनर में 2% क्रैश होने का चांस है, और इंटरमीडिएट में नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे 3% क्रैश होने का चांस है, और सौते में जाओगे तो एडवांस में 4%, तीसरे में, और सौते में जाओगे तो प्रो में 100% है। तो पहले में यहाँ पे 10x तक जा सकता है, और दूसरे में देख सकते हो 20x तक जा सकता है, और तीसरे में 50x तक जा सकता है, और यहाँ पे सौते में देखो तो 75x तक जाता है। हालांकि मैंने देखा नहीं कभी 75x गया हुआ, लेकिन 70x पे एक बार मैंने देखा था। तो कभी कभी जाता है 70x पे, तो भाई 75x वाला तो भाई पहले ज़्यादा करना मत, उसमें तो भाई लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा लॉस भी हुआ, क्योंकि हमारा जल्दी बम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बम होगा नहीं, लेकिन 1x पे बम हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कभी होगा नहीं, होगा होता भी ज़रूरी है, लेकिन 1.02 पे एटो बम हो जाता तो वो भी 1x पे ही मानो, क्योंकि हम कैश आउट कर नहीं पाएंगे। और MPL का जो इंस्टेंट विड्रो प्रूफ भी इस वीडियो में मिल जाएगा, मैं वीडियो के अंत तक आपको दिखा लूँगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2x तक का लगभग वेट किया। बिगनर में एक बात नोट ध्यान रखनी है आपको, 2x तक का पूरा वेट करना नहीं करना है, 1.9x पे ही आपको निकाल देना है, क्योंकि इसमें सिस्टम कुछ ऐसा हो रहा था कि ज़्यादातर जो यूज़र जो है 2x का वेट करते हैं, तो MPL वाले क्या करते हैं 2x से पहले ही क्रैश कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2x से पहले ही कैश आउट कर देना है, बिगनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिगनर उसमें अलग की बात है, प्रो मैन को सिस्टम अलग है उसमें, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। और वीडियो को अंत तक देखोगे ना, बिल्कुल अर्निंग प्रूफ कैसे अर्निंग की जाती है भाई, तो लाइव प्रूफ आप समझ जाओगे कि किसमें ज़्यादा अर्निंग है और किसमें नहीं, वो भी आप यहाँ पे देख करके समझ जाओगे। जो समझदार होगा वो तो समझ जाएगा, और बाकी जिसको जो लालच करेगा वो तो भाई इसमें लॉस हो गई होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ देख सकते हो मैंने जैसे ही कैश आउट किया, देख सकते हो बम भी हो गया, तो समझ रहे हो। तो मैंने कई बार वीडियो में बताया हूँ कि जल्दी जल्दी कैश आउट करोगे तो भाई आपका फ़ायदा है, लालच तो करना ही नहीं है, ये तो बात मैं 100 बार लिख के देखे, 100 बार लिख कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से मेरा एक बार नोटिस किया आपने, मेरे वॉलेट में 100 रुपये थे, ठीक है, और फाइनली देखना मेरे पास कितने होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 बार यदि जल्दी जल्दी 200, तो लोग क्या करते हैं पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई पूरा इन्वेस्ट मत करो भाई, बाई चांस अगले चांस में आपका 1x पे फिर से बम हो गया, फिर आप क्या करोगे, लॉस हो गया ही होगा। तो इतना पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस जब भी विनिंग हो जाए 450, 700, 200, 300, 500, 1000 इतना प्रॉफिट हो जाए बस बहुत है, बंद कर लो भाई, प्ले करो ही मत। क्यों प्ले करना है भाई, सब 500-1000 का आप क्या नहीं हो रही डेली की, तो ज़्यादा प्ले क्यों करना है भाई। मान लो आपने एक बार क्या हुआ, आपने मान लो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके आपने 4-5 हज़ार कमा दिए, तो गंवाने में भाई अगले 5 सेकेंड भी काफ़ी हैं, 1x पे बम हो गए ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखो। अभी देख सकते हो मेरा थोड़ा मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है वापस, लेकिन यहाँ देख सकते हो थोड़ा बहुत वापस भी हो गई, क्योंकि हमने 2x तक वेट किया और हो भी गया। तो आप भी इस तरीके से खेल के अर्निंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरे वॉलेट में कितने 110 है, मतलब 20 इन्वेस्ट हो गए, 130 थे पहले, तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी कैश आउट कर दिया। ये बिगनर है, बिगनर में 1x पे इतना बम होता नहीं है, तो जल्दी जल्दी कैश आउट करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी 1x पे तो नहीं होता, लेकिन 1.2x पे बम हो जाता है। और पहले ने एक बार हिस्ट्री भी पूरी चेक किया करो कि पिछला टाइम अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है। और मैं एक हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ, हिडन जो मतलब जेन्युइन तरीका है, जिस टाइम आप कम प्लेयर प्ले कर रहे होते हैं ना, उसी टाइम आप प्ले करो ताकि आपका विनिंग हो जाए, विनिंग हो गई होगा। तो ये बात ध्यान रखना, जो मतलब नाइट में कम प्लेयर प्लेइंग करते हैं, तो आप नाइट में प्ले कर सकते हो तो अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है, क्योंकि दिन में ज़्यादा प्लेयर प्ले करेंगे। जैसे मान लो ये प्रो का सिस्टम समझ लो, ये 75x दे रखा है, तो 75x दिन में ज़्यादा प्लेयर प्लेइंग कर रहे तो 75x थोड़ी जाएगा, MPL वाले इतना घटा थोड़ी लेंगे। तो वो क्या, तो आपको क्या करना है, नाइट में मतलब कम प्लेयर प्ले कर रहे हैं तो उस टाइम 75x तो भाई जा सकता है, लेकिन इसमें एक भी बात बताता हूँ, इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है, ये भी बात ध्यान रखना। तो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि प्रो में तो भाई काफ़ी लोग होते हैं जो इसमें, कल मैंने देखा था 2-2 हज़ार के इन्वेस्ट करके, मतलब कुछ लोगों का प्रॉफिट भी हो रहा था, कुछ का लॉस भी हो रहा था, तो मैक्सिमम लोगों का लॉस ही हो रहा था, मैं देख रहा था कल, ठीक है। तो मैंने एक दो वीडियो भी बनाया था, देख लेना, वो 50x कुछ 70x कभी 70x तो 70x के ऊपर तो मैंने नहीं देखा, 70x एक बार गया था वो मैंने देखा था, बाकी 75x के आसपास तो कोई देखा नहीं मैंने। और 75x तक तो मैंने जाते हुए, पूरा 75x भी नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना, 75x से नीचे ही रहेगा, हाईएस्ट 75 जा सकता है, इसमें ये लिख रखा है।
तो ये भी बात ध्यान रखना कि ज़्यादा इसमें लालच करो मत। ये देख सकते हो अभी, अब एक बंदे ने उसने कैश आउट किया नहीं, बाकी सब ने कर दिया, तो उनका हो गया लॉस। तो ग्रीन वाले जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, उन्होंने कैश आउट कर दिया, उनका हो गया प्रॉफिट। तो यही है जो मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल जेनुअन तरीका है भाई। ऐसे आपको भाई ये ट्रिक लगाओ, ऐसा करो, ऐसे टाइम प्ले करो, ये करो वो करो, ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस जो समझदार होगा बस वो तो इसमें अर्निंग करके चला जाएगा, लेकिन जो दलस ज़्यादा दलस करेगा, ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो भाई कोई भरोसा नहीं। विनिंग भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अभी 20 का इन्वेस्ट किया था, तो मैं 2x का पूरा नहीं कर, ठीक है, 2x से पहले ही निकाल लिया। देख सकते हो मैंने 1.9x पे निकाल लिया, देख रहे हो। तो इतना ज़्यादा लालच नहीं करना है कि आपको 3x 4x 4x का वेट करना है भाई। वेट तो कर सकते हो, तो भाई कम से कम आपके वॉलेट में जैसे 500 रुपये हो, तो आप 10 10 रुपये से इन्वेस्ट करके मान लो एक बार तो कभी ना कभी चला ही जाएगा 30x 40x 50x। प्रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रो की, तो उसमें से अर्निंग पॉसिबल है। क्योंकि मान लो 10 10 10 करके आप 10 चांस 100 रुपये लॉस कर दिए 10 10 के, तो फिर आपको मान लो 30x चला गया 10 से, तो आपके सीधे सीधे 300 आ जाएंगे, तो 200 का हो गया ना प्रॉफिट। तो ऐसे तो प्रॉफिट पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉलेट में 50 रुपये आप 10 10 के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 500 बार तो कोशिश की तो 500 बार तो जाएगा ही नहीं। तो ये भी बात ध्यान रखना, और अपना वॉलेट में वॉलेट का इस हिसाब से इस्तेमाल करो कि आपको कुछ यदि लॉस भी हो जाए ना, तो कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इधर इधर उधर से उधार उधार मेरी बात लेके करो तो मत मैं तो भाई बिगनर ही प्ले इन्वेस्ट करता किया हूँ, करो। क्योंकि इसमें एक तो वन उसमें लिख रखा ना 2% चांस है 1x पे क्रेश होने का। मान लो 2% भी कभी कभी होता नहीं है, होता है, ऐसी बात नहीं है कि कभी होता नहीं है, होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम चांस में होता है। बाकी उसमें तो भाई मैंने कल देखा था करीबन 10 चांस में 5 बार तो 1x पे ही बम हो गया था। प्रो की बात करना, प्रो की, तो भाई उसमें कितने लोगों का लॉस हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि 1x भाई उसमें प्रो में इतना लॉस हो रहा था, भाई क्यों प्ले करना है अभी। तो आप उसमें अर्निंग करना चाहते हो तो भाई मैं तो ये प्ले कर रहा हूँ ना, जो अभी बिगनर है, बिगनर देख सकते हो अभी कितना हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो 57 20 20 रुपये से 57 रुपये हो गए, तो यहाँ से मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, जो लॉस हुआ तो वो कवर कर लिया है। लॉस भी ऐसे कवर किया जाता है, लेकिन लालच करना नहीं है, बस लॉस कवर हो जाए बस बहुत है ना। यह देख सकते हो मैंने अभी जल्दी जल्दी कैसे आउट कर दिया। और एक बात नोट करना, यदि मान लो एक दो बार जैसे बिगनर प्ले कर रहे हो, तो इसमें हाइएस्ट कितना जाता है 10x, तो 10x से पहले यानी कि एक बार मान लो 8x 9x चला गया, तो ज़रूर नहीं दोबारा इतना जाएगा। ठीक है, कभी बहुत कम चांस में जाता है, हालांकि जाता है बहुत कम चांस में जाता है ऐसे, तो ये भी ध्यान रखना आपको, है ना। तो हमेशा नहीं जाएगा वापस, तो अगले 2 3 चांस स्किप भी किया करो, क्योंकि 1x पे भी बम हो सकता है, ये भी पॉसिबल है ना, ये भी ध्यान रखना। जैसे अभी ये देख सकते हो मैं 2x तक का वेट कर रहा हूँ, 2x का पूरा नहीं, 2x से पहले ही कैश आउट कर दिया, देख सकते हो 1.95x पे ही मैंने कैश आउट कर दिया, क्योंकि इसमें सिस्टम ही कुछ ऐसा है। ठीक है, अब एक बार मैं इसको विड्रॉ कर लेकर दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग कर रहे हो कि इंस्टेंट विड्रॉ होता है या नहीं होता है, तो देख सकते हो मैं विड्रॉ प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। मैंने 100 रुपये ऐड किए थे और ये देख सकते हो 152 में विड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, लगभग 50 से ऊपर का ही हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई मेरा TDS वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको जैसे UPI ID पे क्लिक करके इंस्टेंट विड्रॉ भी हो जाता है। अभी आपको सामने लाइव प्रूफ भी विड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे आप कन्फर्म एंड विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देख सकते हो थोड़ा सा फोन हैंग कर रहा है, लेकिन ये हो रहा है, ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट है, मतलब प्रोसेसिंग ये मतलब 1 2 सेकंड के अंदर ही आपका विड्रॉ कर लेगा। ये देख सकते हो ऊपर देखो मैसेज आ गया कैश प्री पेमेंट की तरफ से, ये देख सकते हो 152 रुपये मेरे वॉलेट में भी आ चुके, और ऊपर मैं स्क्रीन करके बता देता हूँ, ये देख सकते हो 152 रुपये मेरे वॉलेट में आ चुके हैं, ये देख सकते हो आपके सामने ही विड्रॉ मैंने किया है। तो एक बार इसको मैं पेटीएम में जाकर देखा लेता हूँ, या फिर एमपिल में एक बार देखा लेता हूँ, ये देख सकते हो सक्सेस सक्सेस बता रहा है, मतलब विड्रॉ सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी एक बार मैं इसको हटा के ऊपर वापस दिखा लेता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, और इसके साथ साथ पेटीएम में जाकर देख सकते हो, ये देख सकते हो 152 रुपये आ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, ताकि ऐसे अर्निंग की जानकारी है।